हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 19 के अंदर हम स्टडी करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं आरईआर, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। लेक्चर नंबर 18 में हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी। ये रिएक्शन जस्ट उसकी अपोज है और इसके पॉइंट वाइज इसकी हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है वो आपके शो करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड पॉइंट है, इन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन आपके कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 यूनिट से डिक्रीज होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो मेटल की है वो 2 यूनिट से कम होगी। ओवरऑल जैसा कि ऑक्सीडेटिव एडिशन के अंदर था, वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट से इंक्रीज हो रहे थे, बट रिडक्टिव एलिमिनेशन के में ये जस्ट उल्टा होगा। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के रिवर्सिबल है। फोर्थ पॉइंट है, इन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन मेटल मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो एलिमिनेट करके, ग्रुप को एलिमिनेट करके वो इलेक्ट्रॉन सफिशियंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आपके एलिमिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। लाइक हम इसे एग्जांपल के द्वारा, डायग्राम के द्वारा समझते हैं। क्या आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है लाइक इरिडियम, ये सब इंस्टीट्यूटेड सीपी है, इसे हम सीपी स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ये आपके पास PMe3 विस्वम H और ये है आपके पास साइक्लोहेक्सिल। अगर हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा न्यूट्रल इक्विवेलेंट मेथड के द्वारा। तो उसके अकॉर्डिंग दिस वन मेटल, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है, तो इसके लिए टर्म क्या यूज में आएगी, L2X, कहीं पर लिखा L2X। और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये L, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो X, ये X, तो टोटल X कितना हो गया 3 और टोटल L कितना हो गया 3। तो ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा इसके लिए 6 एंड इलेक्ट्रॉन काउंट कितना रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इरिडियम प्लस 3 कंडीशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन ये शो करेगा क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर हाई है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है। एलिमिनेशन किसका होगा, 6 पोजीशन के ऊपर जो आपके ग्रुप है उसका एलिमिनेशन होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपका साइक्लोहेक्सिल दिस वन एंड ये एच, ये आपके 6 पोजीशन ग्रुप है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, ये एच यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। इस ये बन गया आपके पास साइक्लोहेक्सिल C6H12। और आपके पास फर्दर एलिमिनेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका अगर हम देखें तो ये IR CP star TPMA3, दिस वन मेटल, ये CP star 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L2X, दिस L2X एंड ये PMA3 2 इलेक्ट्रॉन डोनर तो ये L, तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा L3X, तो ये 3 and 1 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किस में चेंज हो गया, ये 4 के अंदर। ये न्यूट्रल के इक्विवेलेंट मेथड है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड का फाइंड आउट करने के लिए। ये मेथड हम, इस मेथड के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पे इसे देख लेते हैं, प्ले लिस्ट के अंदर जाके आप इसमें पूछ सकते हैं कि न्यूट्रल इक्विवेलेंट मेथड कौन सा है। अब ये है आपके पास रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सिस टू ईच अदर, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया एलिमिनेट ग्रुप होने वाला ग्रुप कैसा होना चाहिए, सिस होना चाहिए, दिस एंड दिस 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्लासिफिकेशन मेथड के थ्रू, न्यूट्रल इक्विवेलेंट बॉन्ड क्लासिफिकेशन मेथड के थ्रू हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता लगा सकते हैं। दिस जो पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स था ये, इसका हमने बताया कि मेटल CP स्टार के लिए L2X 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है और PMA3 के लिए L और ये X, इस H के लिए 1X, साइक्लोहेक्सिल के लिए ये हो गया 2X, फिर हो गया ML3X3, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसी टाइप से फिर है आपके पास लाइक इरिडियम PMA3 CP स्टार, इसकी रिएक्शन अगर हमने करवाई साइक्लोहेक्सिल से तो ये अब इसका एक रिवर्ट आपके पास रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये है आपके पास पोलार ग्रुप, पोलार ग्रुप का एडिशन कैसे होता है सिस, तो ये बन गया आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो
हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन एक दूसरे के अपोज है। अब अदर एक एग्जांपल आपके पास लाइक Pa टैक्टिनम Cp2H 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है आपके पास, और इसका अगर मैं H2 से रिएक्शन करवाता हूँ तो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कन्वर्टेड टू 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाया ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये बन गया आपके पास TaH3Cp2 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कन्वर्टेड टू 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाया रिडक्टिव एलिमिनेशन, तो ये आपके वाइस वर्सा रिएक्शन कहेंगे। अब हमें देखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेटिंग ग्रुप हमेशा क्या होना चाहिए, पोजिशन टू ईच अदर सिस पोजिशन पे होने चाहिए, लाइक CH HH कार्बन कार्बन CX, ये अगर आपके सिस पोजिशन होते हैं तो इजीली आपके रिमूव हो पाएंगे। उसमें से सबसे इजी कौन रिमूव होगा, CH देन आफ्टर HH H2 देन आफ्टर कार्बन कार्बन बॉन्ड देन आफ्टर CX। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे थे कैसे पैलेडियम P83 ClCl, फिनाइल लिथियम ये आपका एक पोलर ग्रुप है, पहले क्या होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये कह सकते हैं ये एक पोलर ग्रुप है और आपका बेस है। ओके तो पीएच माइनस है आपका, ये अटैक करेगा मेटल के ऊपर सीएल बाहर, सेकेंड इक्विवेलेंट अटैक करेगा वापस मेटल के ऊपर सीएल बाहर, तो आपके पास यहाँ पे मिली है टू इक्विवेलेंट पीएच ले रहे हैं हम, ये टू इक्विवेलेंट, इसलिए आपको प्रोडक्ट क्या बना पीडी पीएच पीएच P83 P83। अब हमने लिया MeI, ये क्या आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो होगा, MeI का जो एडिशन है वो कैसा रहेगा ट्रांस एडिशन। अब ये बन गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड पैलेडियम रह गया आपका 1 2 प्लस 2 कंडीशन के अंदर, ये रहा इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है 1 2 3 एंड 4 प्लस 4 ऑक्सीडेशन नंबर, ये इसका अभी देखने को मिलेगा। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू कौन से ग्रुप एलिमिनेट होंगे वो देखना है आपको, देखिए ये मिथाइल है इसका कार्बन और फिनाइल का कार्बन, सी सी बॉन्ड आपका एलिमिनेट होगा कंपेयर टू कार्बन हैलाइड। ओके तो कौन आपका पहले एलिमिनेट होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसीलिए MePH के साथ मिल करके ये बनाएगा टोलुइन के रूप में एलिमिनेट होगा और आपके पास वापस से बनेगा PDPHIPED3PET। ओके 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इस टाइप से रिएक्टिविटी आपकी शो रहती है एलिमिनेशन की। अब हमें पढ़ना है कि फैक्टर अफेक्टिंग रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर है, वन बाय वन चेक करेंगे हम। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड, ये जस्ट अपोज रहेगा आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन से, लाइक अगर इलेक्ट्रॉन विट्रोविंग ग्रुप इंक्रीज होगा तो ये ओवरऑल क्या करेगा मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इन मेटल इट मीन्स रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन आपका ओवरऑल इंक्रीज होगा, क्यों क्योंकि एलिमिनेशन के लिए मेटल लो मेटल आपका जो है वो हाई ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर चाहिए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास Pt PH PH PPH3 PPH3 मिथाइल एल्काइल, सेकेंड है PT PO PH3 PO PH3, जो आपके पास जो चेंजिंग आ रहे हैं मैं उससे शो कर देता हूँ कि आपके पास PPH3 है जो PO PH3 है, और सेकेंड है आप थर्ड कॉम्प्लेक्स है PNA3। तो इन सभी लिगेंड में से मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड कौन सा है, तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड कौन सा है, वो रहेगा आपके पास PO PH3। POPH3 कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल रहेगी और ये इजीली रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स सबसे इजीली या फास्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, फिर आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर PPH3 है और फिर आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर कौन सा PME3 है। सेकेंड फैक्टर है इसके अंदर प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी जस्ट आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन के अपोज होगा। अगर अब इसमें क्या होगा कि अगर प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट नंबर इंक्रीज होगा तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी
और आपका डायरेक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन लीकेज होगा। तो देखिए ये 5D वाले जो है वो लोअर है इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर टू 3D वाले मेटल के रूप में। इन पीरियोडिक टेबल अगर हम लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट में, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन आपका इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं नेगेटिविटी ऑफ द एटम उसकी इंक्रीज होती है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ऑन द मेटल डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन या रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इंक्रीज होगी। ओवरऑल आपको ये याद रखना कि ऑक्सीडेटिव एडिशन की जस्ट अप्रोच होता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन में जब प्रिंसिपल काउंटर नंबर इंक्रीज तो ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज, और रिडक्टिव एलिमिनेशन में प्रिंसिपल काउंटर नंबर इंक्रीज रिडक्टिव एलिमिनेशन डिक्रीज। ओके, थर्ड फैक्टर आपके पास वो है स्टेरिक क्राउडिंग। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन स्टेरिक क्राउडिंग के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। लाइक जनरली होता है कि पैलेडियम मेटल सोर्स रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, पैलेडियम अटैच टू चिलेटी लिगेंड लाइक दिस CH2CH2LL। अब ये चिलेटी लिगेंड में हम स्टेरिक क्राउडिंग को अदर वर्ड से भी, जो स्टेरिक क्राउडिंग है वो प्रोपोर्शनल टू रहता है बिट एंगल, इस पर रहता है बिट एंगल पे। तो जो चिलेटी लिगेंड है ये अगर इसका बिट एंगल ज़्यादा है तो एलिमिनेट होने वाले जो ग्रुप है लाइक RR इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बिट एंगल इक्वल्स टू इसको हम कौन एंगल भी कहते हैं, द बिट एंगल इंक्रीज रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन आल्सो इंक्रीज। बिट एंगल प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग प्रोपोर्शनल टू रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कुछ थ्री टू फोर डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, इसमें मेटल PPH2CH2PPH2, बिट एंगल कितना है इसके अंदर 78 डिग्री का है। इसी तरह सेकेंड कॉम्प्लेक्स जिसमें जो चिलेटी लिगेंड है वो है PPH2CH2CH2PPH2। अब ये गैप होने से बिट एंगल क्या हुआ आपका, एक अदर CH2 आने से बिट एंगल हो गया 87। इसी तरह से 1, 2, 3 कार्बन आने से यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 1। अब इसका बिट एंगल कितना हुआ 90। एंड कॉम्प्लेक्स फोर में आपका था मेटल अटैच टू PPH ट्वाइस, देन ये आपका एक है साइक्लो CP का एक कार्बन P से अटैच्ड है, और सेकंड जो पूरा का पूरा रिंग है वो Fe से, यानी कि एक बाईसाइक्लिक रिंग बोल सकते हो आप। ये दो मेटल इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसका जो बिट एंगल है वो कितना है 97 डिग्री। इस पूरे स्पीसीज का अगर आपको नाम याद नहीं होता कोई बात नहीं, आप इसे जस्ट एग्जाम के अंदर ये ड्रो किया हुआ आएगा तो आप इसे देख के पता लगा सकते हो कि इसके अंदर इसका बिट एंगल कितना है। तो इसका बिट एंगल सबसे ज़्यादा रहेगा। तो अब हम मुझे इसके ऊपर जो अदर एलिमिनेटिंग ग्रुप होंगे लाइक R1 R2, तो इसी पर भी R1 R2 यहाँ पे भी होंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन एंगल जिस कॉम्प्लेक्स में है लाइक कॉम्प्लेक्स फोर में, तो उसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन ज़्यादा परफॉर्म होगी। फोर कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। इस टाइप से हमें इसे याद रखना, बिट एंगल इंक्रीज रिडक्टिव एलिमिनेशन इंक्रीज। अब है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सो फास्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, तो पैलेडियम अटैच टू PPH2CH2PPH2, तो जिस हम यहाँ पे इस पोर्शन को हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन। तो देखिए बिट एंगल किसके अंदर ज्यादा रहेगा, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी कॉम्प्लेक्स भी है हमारे पास, एक ये वाला। तो बिट एंगल जो है वो बी सी कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू बी एंड कंपेयर टू ए। जस्ट तो देख लेते हैं, यहाँ पे बिट एंगल जो सबसे ज्यादा है वो है कॉम्प्लेक्स सी का। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन किसका सबसे ज्यादा रहेगा, कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू हमारी थ्योरी कॉम्प्लेक्स बी का सबसे ज्यादा बिट एंगल है। तो यहाँ पे इसे हम सही करेंगे, बिट एंगल सबसे ज्यादा किसका है, बी का। तो बी का कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन फास्ट होगी कंपेयर टू सी कंपेयर टू ए, आपका ऑर्डर रहेगा। इसे
आप इग्नोर कीजिएगा, आपका राइट आंसर ये रहेगा, गलती से इसे हमने लिख दिया होगा। तो बिट एंगल ई में सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू सी एंड कंपेयर टू ए। चलिए नेक्स्ट फैक्टर है आपका फैक्टर फोर्थ, एलिमिनेटिंग ग्रुप सिस पोजिशन टू ईच अदर, यानी कि जो भी आपके ग्रुप एलिमिनेट होने वाले हैं वो कैसे होने चाहिए सिस, तभी उनके बीच में ईजिली एलिमिनेशन या रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकता है। आप कौन कौन से ग्रुप लाइक अगर कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप दिस वन आपके सिस पोजिशन पे है तो ये सबसे पहले एलिमिनेट होंगे कंपेयर टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप के, कंपेयर टू कार्बन कार्बन ग्रुप के और कंपेयर टू कार्बन एलाइड ग्रुप के। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स में एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा किसमें होगा, कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप वाले में, दिस मिथेन बनेगा, ये पहले होगा ये बाद में। अब सी एंड डी में बात करें तो पहले किसमें होगा, ये होगा कार्बन कार्बन और ये होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले में पहले होता है। इसी फैक्टर में आपके पास चार कॉम्प्लेक्स है लाइक ये मेथल मेथल यानी कार्बन कार्बन का यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जिसमें एच एच का एलिमिनेशन होगा इसमें भी कार्बन कार्बन का एलिमिनेशन होगा, कार्बन न्यूट्रल आइटम का एलिमिनेशन होगा। तो देखते हैं ऑर्डर क्या था, तो मोर फेवरेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन यानी कि मिथेन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन कार्बन एंड फिर कार्बन एक्स, इस वन कार्बन एक्स। तो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स ए इज कॉम्प्लेक्स ए इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, सी कौन सा था कार्बन एक्स। ओके अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी लेक्चर के अंदर वो है सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस रिएक्शन, सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस रिएक्शन कंडीशन फॉर एस बी एम आर। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल क्या होना चाहिए आपके पास, डी जीरो लाइक जिर्कोनियम 4+, स्कैडमियम 3+ कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन में 4D0, 3D0। तो इसमें क्या होता है कि इन एस बी एम आर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल मस्ट बी हाई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हाई है ही। सेकेंड पॉइंट होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ फोर मेंबर ट्रांजिशन इंटरमीडिएट इसके अंदर बनता है, कैसे बनता है नीचे देंगे देखेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट है इन एस बी एम आर डज नॉट प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन एक्टिवेशन, यानी कार्बन हाइड्रोजन एक्टिवेशन इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, एक्टिवेशन प्रेजेंट नहीं होता, कैसे देख लेते हैं। क्या आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है जिर्कोनियम Cp2Cl3H, कैसा कॉम्प्लेक्स है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि इसकी हाई होती है, इससे आता है ये कौन सी फैमिली का है, टाइटेनियम फैमिली का है, ठीक है टाइगर जरा हाँ। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है +H2, तो और इसका क्या रहेगा पोलर, ये नॉन पोलर एटम है सॉरी मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेटिव एडिशन देखने को मिलेगा आपको और आपके पास जो कॉम्प्लेक्स दिखेगा ये बनेगा इस टाइप से HH, एक बार बाइंडअप होगा फिर ये बॉन्डेड टू H, बॉन्डेड टू H, बॉन्डेड टू H, दिस वन ये आपका इंटरेक्शन हो रहा है फोर मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, इसे कहेंगे सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस रिएक्शन, ये आपका सिग्मा बॉन्ड। अब क्रॉस कपलिंग आपको देखने को मिली, क्रॉस कपलिंग क्या, ये CH3H आपका एलिमिनेट हुआ और एक H आपका मेटल के साथ आ गया, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अब कितनी रही पहले चेक कर लेते हैं। इस कंडीशन में भी मेटल ऑक्सीडाइज है प्लस फोर कंडीशन में 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, तो जो पहले ये CH3 था वो किसमें कन्वर्ट हो गया CH4 में, बट एलिमिनेशन इस ग्रुप का नहीं हुआ, H एलिमिनेट नहीं हुआ, एलिमिनेट कौन हुआ ऑक्सीडेटिव एडिशन के द्वारा जो H2 हुआ जो पार्शियली इसके साथ बॉन्डेड था, इसका H CH3 के साथ कपल होके कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल गया, ठीक है, और इस CH3 के साथ सेकेंड H आके यहाँ पे रिप्लेस हो गया, तो ये हो गया आपका पास जिर्कोनियम 4, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी सही है, तो यही था आपका सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस रिएक्शन। तो इन सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस रिएक्शन डज नॉट प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन एक्टिवेशन, ओके इस कार्बन हाइड्रोजन को हमको एक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं होती, हाइड्रोजन जो आता है वो
H2 मॉलिक्यूल से आता है। अब देख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट था इसके अंदर, इन SBMR देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि हमने जस्ट अभी ऊपर देखा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कोई चेंज देखने को नहीं मिला, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम था। फिर था आपके पास एक एग्जांपल है, स्कैडमियम Cp2H, स्कैडमियम +3 कंडीशन में 3D0, ये भी इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ पे हमने लिया एक साइड बेंजीन, तो बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसा है, नॉन पोलर, ये बॉन्ड है आपका नॉन पोलर। यहाँ पे ये अटैक करेगा और आपके पास क्या कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होगा, और आपके पास इस टाइप से एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसमें मेटल की हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी हो रही, या आप इसे कह सकते हैं अगोस्टिक इंटरेक्शन। अब हम यहाँ पे एलिमिनेट होने वाला ग्रुप कौन, अब इसमें देख लेते हैं, पहले Cp2H, यह आपका बेंजीन का कार्बन अटैच टू स्कैडमियम और यह हाइड्रोजन। अब सेकंड पोर्शन में एलिमिनेट ग्रुप होने वाला कौन है, एच, और एच किसके साथ एलिमिनेट होगा, इस जो नॉन जो आपका पीएच है, पीएच के एच के साथ इसकी एफिनिटी से होगी, ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है। मेटा सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटल के ऊपर प्रेजेंट दो ग्रुप एलिमिनेट नहीं होगा, उसका एक ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ एफिनिटी शो करके बाहर निकलेगा। तो ये H और इसका H आपस में कंबाइंड होके H2 के रूप में प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब आपके पास क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा कॉम्प्लेक्स स्कैडमियम Cp2, और ये हो गया आपका बेंजीन pH। ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही, स्कैडमियम +3 कंडीशन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना रहा, 14, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल गया, H2, इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस रिएक्शन, SBMR। अब हमें पढ़ना है मेटल ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 20 के अंदर। लेक्चर नंबर 19 में, या लेक्चर नंबर 19 को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर नंबर 19 के अंदर हमने जो टॉपिक स्टडी किए वो कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 19 के अंदर हमने स्टडी किया, पहला रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर फैक्टर अफेक्टिंग रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, और फिर हमने कुछ देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, और लास्ट में हमने पढ़ा सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस रिएक्शन। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 20 के अंदर। तो लेक्चर नंबर 20 में हम पढ़ने वाले हैं, लेक्चर 20 के अंदर हम पढ़ेंगे मेटल ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।